हाथ से लेकर करो कुछ काटा था स्क्रैच नहीं चली जाए काटा क्यों नहीं है नहीं कहा है काटा है वो मैं धक्का मारने वाला चली जाए नालों का मार सबकी मजा अरे धक्का तो मारो हाथ से धक्का मारो जब तो आप उसको उसकी स्टडी कर क्या मान्यता है भैया ये मछली छोड़ने की? मछली छोड़ने में मन को शांति और अद्भुत प्रसन्नता होती है कि हम मां नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए और किसी जल जीव को जीवन देने का काम हम कर रहे हैं, इसलिए ये मछली निरंतर हम 16 वर्ष से छोड़ते आ रहे हैं और इस काम को करने में हमें बड़ा प्रसन्नता मिलती है और इसकी धर्म में भी अनेक मान्यताएँ हैं। उन मान्यताओं को आगे बखान करने की आवश्यकता नहीं है, पर यह है कि जल में विचरण करने वाले जो मछली होती है उसको हम लोग लगातार 16 वर्ष से छोड़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये नथ पहना के आप जो छोड़ते हैं, अभी तक ऐसी नथ पहना के कितनी मछलियाँ छोड़ी? लगभग 16 वर्ष से हम 4-5 मछली हर साल उसमें जरूर छोड़ते हैं नथ पहना के, और नथ पहनाने की एक भी धार्मिक मान्यता है, अनेक मान्यताएं हैं, इसलिए यह काम हम करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। मेरे प्रेरणा से एक दो लोग और इस काम को कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको भी बड़ा आनंद और शांति का भाव मिलता है। सुना है कि 1.25 लाख मछलियां हर साल छोड़ते हैं, आप ये मछलियां कहां से आती हैं? ये 1.25 लाख मछलियां हम हर साल छोड़ते हैं जो हम लोग रायपुर से लाते हैं, और जिनको नथ पहनाते हैं वो जबलपुर से बड़ी मछली रहती है, 3 से 5 किलो तक की रहती है, तो हम लोग रायपुर से 1.25 लाख मछली प्रतिवर्ष बुलाते हैं। वो या तो सावन में छोड़ते हैं या फिर बैसाख के माह में छोड़ते हैं। इस काम को निरंतर हम लोग रायपुर से हमारा कॉन्टेक्ट है और उनसे बुला के हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। आज आपने मछली छोड़ी, कितने तोले की नथ पहनाई उसे? और अब वो इस विषय को ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस जंतु के जीवन की बात है, लोग उस लालच में कहीं उसको नुकसान ना पहुँचाए, और निश्चित रूप से हमें शांति मिली है। और नथ पहनाना भी एक अलग परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, उस मान्यता को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस काम को कर रहे हैं।